Morning student, now we will start about the dimension analysis. Last classes में हमने mathematical tools तक discuss कर दिया. अब यहाँ से physics start होता है. Unit 1 है हमारा और unit 1 में हमारे पास है physical world and measurement. Unit 1. तो कुछ चीज इसकी theoretical है. Introduction of physics आपका theoretical part है. तो आपको theoretical part easily तैयार करते हैं. तो हमने basically competitive prospective में और एकेडमिक प्रोस्पेक्टिव में दो टर्म्स हमको समझने होते हैं, ना कि दो चीजें हमको तैयार करनी है. एक तो तैयार करना है डायमेंशनल एनालिसिस और एक तैयार करना है हमको एरर एनालिसिस. तो दो पार्ट्स बेसिकली समझते हैं. दोनों पार्ट से एक क्वेश्चन रेज होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और स्कूलिंग में भी. तो सबसे पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस को समझते हैं. तो देखो सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस समझने से पहले हम समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को. तो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है. पहली क्वांटिटी हमारे पास होती है फंडामेंटल. फंडामेंटल और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास होती है डिराइव्ड. एक होता है डिराइव्ड और इनकी यूनिट्स भी, जैसे हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसकी जो यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी और जो डिराइव्ड होगी उसकी जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड कहलाएगी. तो देखो फंडामेंटल्स में क्या होता है, ये अपने आप में यूनिक हुआ करती है, दैट इज ये खुद यूनिक होंगी और यूनिक होने की वजह से आपको इन्हें ना तो रिजॉल्व किया जा सकता ना ब्रेक किया जा सकता, किसी दूसरी क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये खुद में ही रिप्रेजेंट होती है. ऐसी क्वांटिटीज हमारी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी. दैट इज यूनिक है, दैट इज कैन नॉट बी रिजॉल्व, ना तो रिजॉल्व की जाएगी और ना ही इन्हें किसी दूसरे के टर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है. तो ऐसी क्वांटिटीज हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी और उनको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज कर रहे हैं दैट यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. दूसरा है हमारे पास ड्राइव. अब ये ड्राइव क्या होती है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनी हो, है ना. देखो जैसे मैंने कहा फंडामेंटल्स में एक वर्ड हमने यूज कर लिया मास, दूसरा हम ऐसे ही टाइम डिस्टेंस या लेंथ या इस तरह की जो क्वांटिटीज हैं ये हमारी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगी. और डिराइव्ड हमारी क्या होंगी, ये वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल से मिलकर के बनी होंगी, दैट इज कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज या डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती है जो फंडामेंटल से मिलकर के बनी होती है, वो हमारी डिराइव्ड होती है. तो अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं. तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज देखो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. फर्स्ट वन मास, और मास को हम मेजर करेंगे अब किलोग्राम में, ये ऐसा यूनिट है उसकी किलोग्राम. नॉर्मली हम किलोग्राम को केजी ऐसे लिख रहे होंगे, ऐसे केजी फाइन, लेकिन डायमेंशन में हम इसका जो एक्सप्रेशन ले रहे होंगे सिंबल ले रहे होंगे वो एम डायमेंशन के लिए. दैट मीन मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, अमाउंट को मेजर करती है, किलोग्राम है हमारे उसकी यूनिट, शॉर्टकट में हम केजी ऐसे लिख रहे होंगे और डायमेंशन में हम उसे एम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. दूसरी एक और क्वांटिटी हम इसी तरह से ले सकते हैं टर्म. सेकंड क्वांटिटी हमारे पास है लेंथ. फाइन, लेंथ क्या है, दो पॉइंट के बीच का गैप अगर जिससे मेजर कर रहे होते हैं वो हमारी लेंथ है और लेंथ को हम मेजर कर रहे होते हैं मीटर में, ठीक. और मीटर के लिए हम नॉर्मली एम लिख रहे होंगे, स्मॉल एम लाइक दैट, और डायमेंशन में हम उसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हो डायमेंशन. दूसरा हमारे पास एक और क्वांटिटी है टाइम. इस टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज टाइम को समझते हैं एक इंटरवल है, एक गैप है जिसे मेजर करते हैं सेकेंड, और
ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, नॉर्मली हम एस लिख रहे होंगे इसके लिए, एस ऐसे स्मॉल एस, या फिर कभी एस ई सी ऐसे भी लिख रहे होंगे, और डायमेंशन में हम उसको टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी का नाम है करंट। करंट क्या मेजर करता है? करंट किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा होता है, उस चार्ज को मेजर करने के लिए हम करंट का यूज कर रहे होते हैं, और करंट को मेजर करने के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं। एम्पियर के लिए ए लिख रहे होंगे हम यहां पर, और यहां पर भी ए लिखेंगे। एक और क्वांटिटी हमारे पास टेम्परेचर। आप देखो टेम्परेचर क्या होता है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी की डिग्री को रिप्रेजेंट करती है कि वो कितना हॉट और कितना कोल्ड है। हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज कर रहे हैं, दैट क्वांटिटी इज टेम्परेचर। फाइन, टेम्परेचर को किसमें मेजर करेंगे? केल्विन में, दैट इज हम केल्विन में इसको मेजर कर रहे होते हैं, इसको टेम्परेचर। और यहां पर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या तो के से, यहां पर ये के लिख सकते हैं, और थीटा में से कोई भी, इन दोनों में से कोई सा भी लेटर यूज कर रहे हो। अगला हमारे पास होता है टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो बेटा इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में, सीधी से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यहां पर इसको रिप्रेजेंट करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास एक और फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम यहां रिप्रेजेंट दिखा देते हैं। बेसिकली ये हमारे पास सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, एक और है हमारे पास, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और जो अमाउंट है वो हम मेजर कर रहे होते हैं बेटा मोल में, और जरूरत नहीं है एमओ इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन में इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच है, फर्स्ट वन मास, सेकंड वन लेंथ, थर्ड वन टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनको इस वाले सिंबल को हम डायमेंशन में यूज करेंगे, इस सिंबल को, और नॉर्मली हम उसको ऐसे लिख रहे होते हैं शॉर्ट में अगर लिखना होता है। दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन क्वांटिटीज की ये एसआई यूनिट्स, ये सभी एसआई यूनिट है। दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं, है ना, उन्हें भी हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम देखना चाहें तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक तो होता है हमारा सॉलिड एंगल और एक होता है एंगल। एंगल इक्वल टू, आपने पहले ही पढ़ रखा है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस के लिए आप एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे, दैट इज इसकी एसआई यूनिट होती है रेडियन। और एक और होता है सॉलिड एंगल, थ्री डायमेंशनल होता है एंगल, तब हम उसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इसके रेडियन में, इसे हम इसके रेडियन में मेजर करते हैं। तो बेसिकली हम इन सेवन फंडामेंटल और टू सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलाकर के हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे, इन सब, दैट मीन जितनी भी क्वांटिटीज है इन सेवन फंडामेंटल और टू सप्लीमेंट्री यूनिट से मिलकर के बनी होगी। अब इनसे मिलकर के बनेंगी सभी ड्राइव्ड यूनिट्स या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी, और उनकी जो यूनिट्स होंगी वो सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट से मिलकर के बनी होगी। तो बेसिकली हमारे इस वाले पार्ट के अंदर हमको ये डिस्कशन करना होता है डायमेंशनल एनालिसिस में कि इन ड्राइव्ड यूनिट्स को इनके टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज फंडामेंटल के टर्म्स में इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस में ये समझते हैं। तो हम
हमने ये अब तक डिस्कस किया कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी। अब देखो एक चीज देखते हैं, हमने कहा डिराइव्ड यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स और डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज पैसे भी ले सकते हैं। दैट मीन डिराइव्ड यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर के बनी होंगी उनको हमने क्या कहा, डिराइव्ड यूनिट का। जैसे हमने कहा एक वर्ड ले लिया स्पीड, और स्पीड वी नो दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमने समझ रखा है डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज मीटर, इट मीन इसका यूनिट तो मीटर है और टाइम का सेकंड है। तब फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट बन गई, स्पीड की। और इसमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, पहला क्वांटिटी है मीटर दैट इज डिस्टेंस को जिसमें मीटर किया है, और दूसरा टाइम जिसके लिए सेकंड यूज किया है। तो मीटर पर सेकंड क्या होगी, एक डिराइव्ड यूनिट होगी, किसकी, स्पीड की। तो स्पीड क्या होगी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये डिराइव्ड क्वांटिटी किससे मिलकर बनी हुई है, फंडामेंटल। और कौन कौन है इसमें फंडामेंटल, एक तो डिस्टेंस और एक टाइम दैट इज मीटर, और सेकंड ये दोनों फंडामेंटल है, इसलिए हमने इसको डिराइव्ड लिखा। दूसरा भी और यूज कर सकते हैं, जैसे मैं एक वर्ड यूज करता हूं वर्क, वर्क में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फाइन। अब देखो वर्क का ऐसा यूनिट फोर्स के लिए हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की ऐसा यूनिट है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा वर्क का क्या है, ऐसा यूनिट है। देखो ये फंडा क्या है, डिराइव्ड है, कैसे, किलोग्राम मीटर और सेकंड, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज इसमें, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए हमने कहा दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये फंडामेंटल्स होते हैं। अब अगर हम इनको डायमेंशन एनालिसिस पर मूव करने की कोशिश करते हैं तो देखो कैसे, अब हम क्या चाहते हैं कि इन डिराइव्ड यूनिट्स को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो द वे जिसके थ्रू हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज That is fundamental quantities के terms में हम represent करेंगे किसको, derived को, जिस method का use करेंगे that method is called dimension analysis, dimension analysis। इन fundamentals की जो powers होंगी, powers of that fundamental quantities are called dimension, that mean जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी पावर जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी, इसका वे डायमेंशनल एनालिसिस कहलाएगा। और उस फॉर्मूले को, जिस फॉर्मूले की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला, और फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिराइव्ड यूनिट्स को या डिराइव्ड क्वांटिटीज को, डिराइव्ड क्वांटिटीज को किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो तीन बेसिक वर्ड्स हमने डिस्कस किए, हमने कहा डिराइव्ड यूनिट्स थी, तो ये इस तरह से डिराइव्ड थी, हमने कहा हम इन डिराइव्ड्स को कैसे फंडामेंटल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहा वो वे जिसके थ्रू हम ऐसा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस,
फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होंगी वो हमारी डायमेंशन कहलाएगी, और वो फॉर्मूला जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले बना करके देखते हैं कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे। तो एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है और एंड होता है प्लस टू की लास्ट यूनिट पर जाकर के, तो हमने स्टार्टिंग्स और एंडिंग भी इसी टर्म पे करनी है, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हम मैकेनिक्स वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज को ज्यादा डिस्कस करेंगे, बाकी आपकी रेफरेंस बुक और एनसीईआरटी में वो डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हैं। मैं उनमें से कुछ सेलेक्टिव क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले आपको ड्राइव करना बता रहा हूँ, बाकी के आप अपनी बुक से तैयार कर सकते हो। नाउ अब हमने कहा कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूले बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, एरिया से, है ना। एरिया, एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, फाइन। इसका मतलब दो डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट है, फर्स्ट डिस्टेंस ये, सेकंड डिस्टेंस ये, उसको हमने लेंथ बोला है, उसको हमने ब्रेथ बोला है। तो कैसे हम इसको डायमेंशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप देखो यहां से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने कहा था, अभी डिस्कस किया था कि लेंथ के लिए हम सिंबॉलिकली एल यूज करते हैं ऐसे, और ये ब्रेथ जो है ये भी तो लेंथ ही है, इसके लिए भी एल, और दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला को लिखने के लिए ये लेटर्स कैपिटल होना चाहिए और ये इस ब्रैकेट में क्लोज होने चाहिए। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, M0, L2, P0, ऐसे भी, अगर हम बेसिकली ऐसे करना चाहें या फिर ये करना चाहें, दोनों कर सकते हैं। दिस इज मोर अप्रोप्रिएट, ये ज्यादा एक्यूरेट है ना। अगर हम इसी की जगह दूसरा एक और लेते हैं और लेने की कोशिश करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का प्रोडक्ट होता है इसमें वॉल्यूम के अंदर। दैट मीन इसको भी एल में रिप्रेजेंट करना होगा, इसको भी एल में रिप्रेजेंट करना होगा और इसको भी एल में रिप्रेजेंट करना होगा, देन इट बिकम्स एल क्यू। इन अनदर वे You can M0, LQ, P0. Next physical quantity, density. Density equal to होता है mass over volume. That is mass को हमने आपको अभी बताया था कि mass को represent करते हैं MC, ऐसे। और वॉल्यूम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अभी यूज किया था हमने एल क्यू, अब इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा, एम एल माइनस थ्री। आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम एल माइनस थ्री पी जीरो। अब एक और डायमेंशन यूज करते हैं, डायमेंशन डेंसिटी के बाद हमने यूज की स्पीड, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस को हमने अभी रिप्रेजेंट किया था एल से और टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हो टी से। अब इस टी को ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो एल टी माइनस वन, ऐसे लिखना नहीं चाहते आप ऐसे लिख सकते हो एल जीरो एल टी माइनस वन, ऐसे That is speed लिख सकते हो। अब इसी के साथ आप ये देखना, यहां पर हम कई क्वांटिटीज ऐड करेंगे, वेलोसिटी के लिए भी यही होगा। एक्चुअली वेलोसिटी डायरेक्शन कंटेनिंग है, वेक्टर, बस इतना फर्क है स्पीड और इनकी डायमेंशन, दैट मीन यूनिट और डायमेंशन तो सेम होगी। अब वेलोसिटी में भी आपको कई वेलोसिटी दी गई होगी, कहीं बोला होगा एस्केप वेलोसिटी, कभी बोला होगा क्रिटिकल वेलोसिटी, कहीं पर बोला होगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो जहां पर भी आपको वेलोसिटी स्पीड वर्ड आते हैं, कहीं पर भी स्पीड और वेलोसिटी वर्ड अगर यूज होते हैं, तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला कॉमन होगा, और यही उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा एम जीरो एल टी माइनस वन। दैट मीन आपके पास मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, एस्केप वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी,
क्रिटिकल वेलोसिटी, इतने सब वर्ड्स आएंगे, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा और इसे यही यूज करें। अब देखो एक और डायमेंशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अगर हम इसको लेने की कोशिश करते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो हमने अभी लिया था LT माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, कंबाइन करोगे तो LT माइनस टू, या फिर जैसे पहले लिख रहे थे वैसे ही लिख सकते हो M0 LT माइनस टू। तो हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ली, कुछ और क्वांटिटीज लेते हैं, 8-10 क्वांटिटीज का आप करेंगे, बाकी आप खुद करने की कोशिश करोगे, जो नहीं आएगा वो डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन के बाद एक क्वांटिटी लेते हैं बेटा फोर्स, और फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास और उसको किसके साथ प्रोडक्ट करना है एक्सेलरेशन के साथ, तो जो आएगा वो आपका फोर्स होगा। अब देखो मास के लिए तो ऑलरेडी हम पहले से रिप्रेजेंट करना सीख गए एम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अभी आपने बनाया था एल टी माइनस टू, कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा एम एल टी माइनस टू, ये होगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। एक और लेते हैं, फोर्स के बाद आता है वर्क, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है ही ऑलरेडी एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल आप कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। अब लीनियर मोमेंटम, एक वर्ड होता है हमारा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, दैट इज एम इंटू वी होता है। अब देखो मास के लिए तो ऑलरेडी आप रिप्रेजेंट करना सीख चुके हो और वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट करना सीख चुके हो, आप कंबाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा एम एल टी माइनस वन, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम एक वर्ड है इंपल्स, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, ये भी बिल्कुल लीनियर मोमेंटम और इंपल्स कॉमन होते हैं, सेम आएगा एम एल टी माइनस वन। अब एक और क्वांटिटी हम लेते हैं इसके बाद प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। आप देखो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी आप समझ चुके हो एल टी माइनस टू, और एरिया एल स्क्वायर होगा, कंबाइन करोगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा। इसके बाद एक क्वांटिटी लेते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी है हमारे पास, नॉर्मली यूज होती है, क्या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आपने पढ़ा होगा जी इक्वल टू एम एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू, ये इसका रिलेशन होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को जी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसका ये फॉर्मूला होता है। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला आप ऑलरेडी निकाल चुके हो एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस के लिए एल हम यूज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ये एम होगा और ये भी एम होगा, सॉल्व करो तो जब सॉल्व करके लाओगे तो देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम रह जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन, देखो एल स्क्वायर यहां से और एल का पावर वन यहां से, तो क्या हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा, और ये t माइनस टू ऑलरेडी है, तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला किसका बनेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। एक और कांस्टेंट ले लेते हैं प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट h से रिप्रेजेंट करते हैं, और h इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, न्यू होता है न्यू, तो एनर्जी के लिए आप ऑलरेडी समझ चुके हो एम एल टू टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी के लिए टी माइनस वन होता है,
दोनों को कंबाइन करो, पहले का क्या मिल जाएगा आपको, डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा एम एल स्क्वायर पी माइनस वर्क, है ना। आप देखो जो एनर्जी है ना हमारे वो वर्क के इक्वल होगी, तो जो ये वर्क है इसमें एनर्जी भी आप ऐड कर सकते हो, दैट इज एनर्जी के लिए भी यही होगा। और एनर्जी में भी बहुत कई एनर्जी हो रही होंगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जहां पर भी एनर्जी वर्ड यूज किया गया है ये सभी आपके वर्क के साथ एसोसिएट करेंगी, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे। दैट मीन ये मैंने कुछ बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना सिखाया है, बाकी की डायमेंशन फॉर्मूले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक्स या रेफरेंस बुक से प्रिपेयर करोगे। हम इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।